प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत के नेतृत्व में शिराई पहुंची आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा। हिमाचल प्रभारी एवं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद गत माह जिला में धीमी पड़ी थी आपकी गतिविधियां। सीएम के करीबी कहलाने वाले पूर्व विधायक बलदेव तोमर के गढ़ में लगाए अब लड़ेंगे चोरों से के नारे। रोनहा टीम भी कफोटा व सतौन में बिकी नुक्कड़ सभाएं। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार भाग्य आजमा रही आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा सोमवार को उपमंडल मुख्यालय शिलाई पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर के नेतृत्व में बदलाव रथ के शिलाई पहुंचने पर हालांकि ज्यादा भीड़ नहीं दिखी, मगर देशभक्ति गीतों के साथ निकले बदलाव रथ के साथ नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान हिमाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री के करीबी कहे जाने वाले बलदेव तोमर के गृह विधानसभा क्षेत्र में अन्य हलकों की तरह आप कार्यकर्ताओं ने पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से जैसे जोशीले नारे भी लगाए। गौरतलब है कि पूर्व विधायक बलदेव तोमर के कहने पर शिलाई में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा क्षेत्रवासियों की सभी लंबित मांगे पूरी किया जाना जिला भर में चर्चा में है और वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में यहाँ SDM ऑफिस, सिविल कोर्ट, BDO ऑफिस व अन्य कई संस्थान खुलने के साथ साथ अरबों के उद्घाटन पर शिलान्यास भी हुए हैं। बदलाव यात्रा के दौरान नुक्कड़ सभाओं अथवा रोड पर मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे आपके प्रदेश अध्यक्ष तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिलाई क्षेत्र के लोग बदलाव चाहते हैं और वह इस यात्रा से काफी उत्साहित है। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के रोनहा, टिम्बी, कफोटावा, सतौन आदि में भी आप नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा विकास के दिल्ली अथवा केजरीवाल मॉडल का बखान किया गया। गौरतलब है कि 30 मई को आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी तथा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग कैश में गिरफ्तारी होने के बाद गत माह जहां जिला सिरमौर में आम आदमी पार्टी की कोई खास गतिविधि नहीं दिखी, वहीं इन दिनों एक बार फिर इस नई नवेली पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिख रहे हैं। केजरीवाल आगे बढ़ो।